तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज हूँ दुबई के बुर्ज खलीफा एरिया में, जहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुकी है बारिश, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बारिश होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या ज़बरदस्त बारिश का सीन आ रहा है, ठीक है। और अभी सन जो है डूब चुके थे पूरी तरीके से, लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग काम ही कर रहे थे, मार्केट ही कर रहे थे, तो जस्ट हमने सोचा यार नाश्ता पानी कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे बाहर निकला और देखा यार यहाँ पे बारिश हो रही है, उम्मीद है कि ज़्यादा बारिश हो और तब तक ही ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है। तो अभी ये एरिया है बुर्ज खलीफा की तरफ का, ये सामने बुर्ज खलीफा है, ठीक है। ये देखो, छोटा सा दिख रहा है ना, छोटा सा क्या, बहुत बड़ा सा है। ये देखो, ये बुर्ज खलीफा है। चलो भाई, और यहाँ ये हम सेगजद रोड पर हैं। ये सेगजद रोड है, सेगजद रोड पर हैं हम। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और मैं बैठा हूँ, साजिब भाई गाड़ी चला रहे हैं। बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। कभी कभी ये बैठते हैं, मैं चलाता हूँ, आज ये चला रहे हैं, मैं बैठा हूँ, ठीक है। जैसे तेज हो रहे बारिश जो है वो तेज़ होती जा रही है। सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है, अभी नाश्ता भी कर लो। धूप भी आ गई क्या? धूप भी आ गई, अभी धूप भी आ गई दोस्तों, लेकिन अभी आई है बारिश, आएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारा सालिक को पैसा कटा होगा? नहीं कटा होगा, वो जब चार घंटे के बाद होता है तो सालिक का पैसा कटता है। चार पाँच दिन जो भी है, चार घंटे बाद जो भी चार पाँच दिन वही कटता है, वो ज़्यादा कटता है। चार घंटे अगर हम लोग वो चार घंटे के बाद एक्स्ट्रा रुकेंगे तो कटेगा। कितना कटेगा? चार रुपये कटेगा, जो सालिक का प्राइस होगा। तो ऐसा है दोस्तों, दुबई मॉल के अंदर की अभी जो पार्किंग है वो पेड हो चुकी है एक तरीके से, चार घंटे फ्री है। उसके बाद से अगर करोगे तो सालिक का पैसा कटेगा, जो सालिक लगाओगे, जाओगे आओगे जो भी आपका पैसा है वो कटेगा, जितने टाइम आप रुकोगे वहाँ पर, ठीक है। अभी यार बाहर निकले थे, कितना अच्छा मौसम था, अभी धूप भी होने लगी है, और ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि धूप होगी, ठीक है। तो अब नज़ारा लो यार, ये मेन दुबई का यही तो नज़ारा है। ये देखो, इधर है ही नहीं बारिश, इधर है ही नहीं, इधर बारिश नहीं है, और नज़ारा दोस्तों यही है। जो लोग भी दुबई दिखाते हैं वो यही मेन दुबई दिखता है ना, वॉलपेपर हर जगह पे। ये डाउनटाउन एरिया है ना? नहीं, डाउनटाउन एरिया ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस वे, ये बिजनेस वे पूरा। तो ये मेन यही रोड है, सेगजद रोड होता है मेन, यही दुबई का एरिया है। और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं वीडियो ऐसे नहीं शूट कर पाता, इसलिए साजिब भाई चला रहे हैं तो मैं अभी शूट कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो भाई साहब, व्यू तो अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे देखो आप लोग, ये क्या दिखाइए, ये जो है क्या, ये हाँ बट रे, वो क्या नाम उसको, फ्यूचर म्यूजियम, फ्यूचर म्यूचर। और गाइस, चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो कि लोग देखना चाहते हैं। मैंने इससे पहले फुल वीडियो भी डाला था, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये है फ्यूचर म्यूजियम, ठीक है, फ्यूचर म्यूजियम आ रहा है हमारे पास। ये देखो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, एक इंसान की बनाई हुई एक अनोखी बिल्डिंग, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या ज़बरदस्त। ये मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से उतर के आप सीधा अंदर ही अंदर जा सकते हैं। मैं इससे ले सकता हूँ, ये देखो सीधा अंदर अंदर जा सकते हैं। मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, इसको पूरा बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोग को चाहिए तो मैं अंदर भी जाके बना सकता हूँ। ये मेन गेट है, मेन गेट से अंदर जा सकते हैं। बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, रोड से देखने में ऐसी लगती है, ठीक है। ये हम अभी इसी रोड पर जा रहे हैं, जिस रोड को आप लोग देखते होंगे ड्रोन वगैरह में, यानी ड्रोन तो होता नहीं, जो मतलब दिखाया जाता है आपको अच्छे अच्छे उसमें क्लिप्स में, जो भी दुबई के फेमस वीडियोज़ होते हैं, दुबई के ब्लॉग्स होते हैं, उनमें आपको ये रोड दिखाया जाता है, उसी रोड में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे एरिया। बाकी बादल वगैरह आप देख सकते हो कि ठीक है, बारिश का सीन कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन देख रहे हो हमारे शीशे पे यहाँ पे मीटर पे बूंदे पड़ी हुई, लेकिन अभी यहाँ बंद हो चुका है। लेकिन उम्मीद है यार बारिश होगी तो मज़ा आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम बारिश हुई थी बहुत मज़ा आया था। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आज हम मार्केट गए थे, मार्केट से लेके आए हैं ये, कहाँ गए, ये देखो ये लेके आए हैं खाने का सामान, और ये अच्छा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। चाबी घुस गई जेब में, तो पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मार्केट से गए और फटाफट लेके आए, व्लॉग वगैरह नहीं शूट किया। क्या होता है ना कि कहीं कहीं मार्केट में रिस्ट्रिक्शन होता है शूट करना अंदर के लिए, तो इसलिए मैं गया था मार्केट के अंदर और वहाँ से लेके आया हूँ कीवी, ठीक है, इंडियन कीवी है, और ये 12.95 पर केजी के हिसाब से मिला है, ठीक है। चार पीसेस मिले हैं हमको, चार पीसेस, तभी हम खोलते हैं और खा के दिखाते हैं आपको कैसा है इंडियन कीवी। पहले भी इसको डाल दो पीछे ना, इसको बांध के पीछे डाल दो, बांध के। मैं कीवी लेके आया हूँ यार खाने के लिए, खाओगे? नहीं, मैं खाता हूँ कभी कभी।
अच्छा होता ना सेहत के लिए। खाओ तो खाओ, एक खाओ। ये मैंने की लिया ऐसे, तुम्हें खाओ। सॉरी खाओ तो सही, मुझे नहीं पता कैसा होगा इसका टेस्ट। ये क्या था यार, कौन सी पनीर थी ये, पराठे वाली थी क्या ये? पता नहीं, अरे यार चक्कू वक्को तो कुछ है नहीं यार, चक्कू खट्टी मीठी होती है, मज़ा आता है। अच्छा था खाने पता, खाने में तुम भी एक ट्राई करना ना, मैं करता हूँ फिर तुम्हें जरूर। इससे क्या होता है ना, इसमें वो होता है लाइकोपीन होता है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वो होता है विटामिन बहुत तगड़े होते हैं ना। तो भाई जी मैंने छील दिया है, पता नहीं आपको लोग कैसा थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा क्योंकि हाथ से छील रहा हूँ नाखून से। हमारे पास चाकू वाकू कुछ नहीं है गाड़ी में, इसलिए ऐसे छील रहा हूँ। पता नहीं कैसा होगा टेस्ट इसका। अभी सीधा कहाँ चलना, खाना कहाँ खाना, कहीं भी खा लेंगे। तो देखो गाइस, खट्टी होती है, गजब की खट्टी यार। झटका दे दिया तो, मैं कभी कभी खा लेता हूँ। अच्छा ये खट्टा नुकसान नहीं करता, विटामिन ये खट्टा होता है जो हमेशा चाहिए हमारे शरीर को। तो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मार्केट की तरफ और वहीं पे खाना खाएंगे क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ से लगी है। तो देखते हैं खाना में क्या खाते हैं, अभी कुछ आइडिया कुछ है नहीं क्या खाएंगे। अभी हम बरदुबई में थे, ये देखो ऐसा कुछ एरिया यहाँ का, ये देखो ये बरदुबई डेरा है ना, सॉरी डेरा में थे। तो ये एरिया कुछ ऐसा है यहाँ का, यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी करी है, ग्लास नीचे किया आपको दिखाया पूरा चारों तरफ का। और ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास कि मैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं, लेकिन कोशिश करता रहूँगा, जितने अच्छे से एक्सप्लोर हो जाएगा होगा। ठीक है तो चलते हैं फिर आगे। तो गाइस अभी रात का वक्त है और मैं ड्यूटी करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया और मिला है मुझे ट्रैफिक, और ट्रैफिक में बहुत तगड़े से फंस चुका हूँ। और अभी टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है, 7:57 यानी कि 8 बजने वाला है और अभी तक मैं बाहर ही हूँ। अभी घर पहुँचने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। तो अभी जो है मैं इधर ही हूँ शारजा में, और यहाँ से मुझे जाने में अभी कम से कम 20 मिनट लगेगा। और हालांकि अगर इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा मतलब 25 मिनट का है, लेकिन उस 25 मिनट के चक्कर में ये जो ट्रैफिक तगड़ा है यहाँ पे मुझे लग गया 1.5 घंटा। बात समझ रहे हो, 25 मिनट के जगह पे 1.5 घंटा ट्रैफिक लगा। ये इसलिए लगता है क्योंकि जब पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि जब हमारे यहाँ से ऑफिस की छुट्टियाँ होती हैं तो लोग ना निकलना चालू कर देते हैं 4 बजे से लगा के रात के 8, 8:30, 9 बजे तक इतना तगड़ा जाम रहता है कि पूछिए ना। और उधर सुबह भी यही सीन होता है, सुबह तकरीबन 6 बजे से लगा के सुबह छः बजे से लगा के रात को मतलब 8, 8:30, 9 तक ये जाम मिलता ही मिलता है। तो भाई ऐसा सीन है, क्या करें, लड़ना पड़ता है इससे। तो थकान काफ़ी ज़्यादा हो भी, चलते हैं घर पे, मिलाते हैं सबसे, खाना वगैरह देखते हैं क्या सीन बनता है। और कल मुझे अबू धाबी के लिए निकलना है तो उसका भी व्लॉग शूट करना है। तो फिलहाल ये वीडियो जो है पूरा हो गया नहीं होगा, अभी शाम को जाके देखेंगे एडिट कितना हुआ कितना नहीं। और बाकी की वीडियोज़ में आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हो यार, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही व्लॉग आप लोग इन्जॉय करते रहोगे, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है फिलहाल चेक करो इधर का सीन, ये देखो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा।